ये देखो ये प्रॉब्लम आती है। मैं यहाँ पे ये टॉपिक सिखाना चाहता हूँ और मुझे 10 में से 6 कमेंट आ रहे हैं डेट कब आएगा, सीमेट का डेट कब होगा, सीईटी का डेट कब होगा। तो उसके लिए आई वांट टू शो यू समथिंग। ये देखो, ये जब सीईटी का डेट अनाउंस हुआ था तब मैंने ये डाला था 5,500 वोट्स, 41% people said they want the exam to happen on time. 41% people want on time and 59% want to delay the exam. They don't want exam to happen on time. ठीक है, सेम प्रॉब्लम आपको सीमेट में भी आने वाला है। तो अगर आप सीमेट की बात करो, और सीमेट कर चुका है था भाई, ये पहली बार नहीं कर रहा, सीमेट पहले भी कर चुका है। They have given the exam in 10 days का time. Suppose CMAT can do that. February 1 को, टुमारो फॉर एग्जाम्पल, February 1 को ने अनाउंस किया कि चलो भाई सीमेट का फॉर्म इज आउट, एग्जाम नहीं देंगे, सिर्फ ये सीमेट का फॉर्म इज आउट। सीधा अब एक बार तुम्हारा डेटा आ गया अगर उनके पास, तो सीधा Feb 30 को आके वो बोलेंगे बेटा March 15 को तेरा एग्जाम है। विद इन 15 days का टाइम, 10 days का टाइम, सीमेट भी ऐसा हो सकता है। एंड द डे सीमेट का फॉर्म इज आउट, पब्लिक ये बोलेगा आई वॉन्ट एग्जाम टू बी डिलेड, I don't want exam to happen on time. ठीक है, मेरे को इसने बोला कि दोबारा एक बार पोल करके देख लो। चलो CET का एग्जाम्पल आई एम गिविंग बिकॉज CET में अभी डेट आ गया है ऑन टाइम March 18th और यू वॉन्ट लेट। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ पोल, लेट्स सी कौन क्या बोलता है। तो प्लीज पार्टिसिपेट करो इसमें, लेट करा दो। काश मेरे हाथ में होता यार, काश मेरे हाथ में होता। ऑलराइट, अभी बढ़ गया नंबर ना, और 72% पीपल वांट एग्जाम टू बी डिलेड। तो भाई सीमेट वीमेट की डेट की वेट मत करो। चलो भाई, सो व्हाट विल डू इज अगेन आई विल क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर सीमेट आल्सो, सीमेट मॉक इंजीनियरिंग। तो ये वीक या नेक्स्ट मंडे वी आर कीपिंग अ सीमेट का मॉक इंजीनियरिंग क्लास, चलेगा? तो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आई विल सेंड इट ऑन योर ग्रुप्स इन सम टाइम। 73% हो गया अभी। तो सीमेट का एक मॉक देते हैं, तो लेट्स कीप सीमेट का मॉक नंबर 5। सीमेट मॉक नंबर 5, सीमेट का 12 मॉक है, आपको मॉक नंबर 5 देना है। ठीक है यार, आई बिलीव जिसको पढ़ने को मूड नहीं होता ना, आप बस मॉक देते जाओ, मॉक दोगे पढ़ने को इच्छा आएगी। रुझता नहीं, किसी का भी डेट नहीं आया, ना सीमेट का डेट आया ना सीईटी का डेट। फाइनल अभी तक रजिस्ट्रेशन सॉरी स्टार्ट नहीं हुआ। डेट आप लेके चलो, सीईटी इज ऑन March 18th एंड सीमेट इज ऑन मार्च एंड March 28th। आप चलो ये डेट, दो डेट अपने पास रख लो, सीईटी March 18th, सीमेट March 28th, ये दो डेट आप लेके चलो। ठीक है, तुमने कितना पढ़ा है आप उसकी बात करो। सो प्लीज आप बिना छुट्टी मारे मॉक देते जाओ यार, सीमेट का हफ्ते में एक मॉक देते जाओ, कभी भी डेट आएगा। ट्रस्ट मी गाइस, दे आर नोटोरियस, उनको कुछ नहीं पड़ा कि तुमने पढ़ाई की है कि नहीं की है, उनको डेट निकालने से मतलब है। ठीक है, तो प्लीज इसकी वेट मत करो। अमन कुछ नहीं, कोई लेट नहीं होगा, एग्जाम सब टाइम पे होंगे। आप ये लेके चलो, लेट होगा तो मैं तेरे साथ बैठा हूँ, टाइम पे तो क्या करना है वो सोच लो। तो एज ऑफ टुडे किसी का फॉर्म नहीं आया, कुछ नहीं आया, तुम पढ़ाई की तैयारी करो यार। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस, आई डोंट वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस आर्ग्यूमेंट अबाउट द डेट्स। ठीक है, क्योंकि वो सरकारी काम भाई होगा। अभी तक पहले वो IFT का, जस्ट इमेजिन साहब जी बैठे, पहले IFT भी वही करेक्ट कर रहे हैं, तो पहले वो IFT का रिजल्ट निकालेंगे जो कि आज आने वाला था, उड़ती उड़ती खबर आई थी आज रिजल्ट आने वाला है। पहले IFT का रिजल्ट आएगा, उसके बाद सर एक दो दिन का ब्रेक लेंगे, उसके बाद सीमेट का वो स्टार्ट करेंगे। इन द मीनवाइल आई एम रेडी विद एवरीथिंग, आई एम गेटिंग रेडी विद एवरीथिंग। मैंने ये बुक लिखी है, लिख रहा हूं, मतलब अभी कंप्लीट नहीं किया मैंने, कल रात में पूरी रात बैठ के मैंने ये पूरा इसमें कॉपी पेस्ट कॉपी। सीमेट में आज तक जितना भी क्वेश्चन आया है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन फॉर सीमेट, आई डोंट नो इफ यू कैन रीड दिस, जितना भी आज तक क्वेश्चन इसमें आया है सब इसमें डाल दिए। ठीक है, सारे टॉपिक मेन थिंग ये खत्म कर दो तो तुम्हारा तथास्तु एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन में स्कोर अच्छा आ जाएगा, दैट आई कैन प्रॉमिस यू। ठीक है, उसमें मेरे को आपसे एक हेल्प चाहिए। यू वांट अ डिटेल्ड थिंग के यू वांट अ टू द पॉइंट थिंग? मैं आपको उसका अगर दिखाऊं एक मिनट सैंपल, तो मुझे आप ये बता दो कि उसमें डिटेल्ड चाहिए कि टू द पॉइंट टक 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 टक। ओके, आई विल जस्ट शेयर वन मोर पेज। ठीक है, ये मैं जो बुक लिख रहा हूँ, सपोज एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड्स एंड ट्रेट्स, इसमें कैन यू सी दिस, ये आपको फाइल दिख रहा है? ठीक है, आइडली आई कैन डू लार्ज बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, बड़े बड़ी कंपनियों में स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप। यार ये सब सबको कॉमन सेंस पता है यार। इसकी जगह मेरा अगर मन होता मुझे बस तू नाम दे दे यार स्मॉल, बस दिमाग खराब मत करो, इतना इतनी किताबें मेरे को पढ़ने को मत बोलो, ये 5 पॉइंट दे दो, मुझे पांचों का मतलब पता है। इसमें जिसमें मुझे डिटेल चाहिए होगा मैं अपने आप गूगल कर लूंगा। यस, इनमें से ऐसा हो सकता है किसी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो, तो देन आई कैन गूगल इट अप। देखो यार, जैसे भी अपॉर्चुनिटीज एनेबलर, इसका मुझे डिफरेंस नहीं पता, देन यस दैट आई नीड द ब्रेकअप, आई नीड टू नो द डिटेल्स। तो आपको कैसा चाहिए, टू द पॉइंट या डिटेल्ड? डिटेल में पेज विल बिकम डबल एंड ट्रिपल। मैंने आपको ये पोल एक क्रिएट कर रहा हूं मैं, आप बस मुझे बता दो कि टू द पॉइंट चाहिए कि डिटेल चाहिए। डिटेल मतलब मोटी किताब आएगी भैया, सोच लो, और इसका प्रिंट आउट निकालना है। नहीं नहीं यार, रट्टा के मानना यार, सब ये समझ जाएंगे इसमें यार लास्ट के एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। चलो एग्जांपल दे दो, लाइक सैमसंग, लार्ज स्केल एप्पल, स्मॉल बिजनेस सीटी किंग एंटरप्रेन्योरशिप, कोई अपना एनजीओ चला रहा है। स्केलेबल, स्केलेबल में कोई ऐप है जो अभी मैंने सिर्फ बॉम्बे में लॉन्च किया है, बट आई कैन गिव इट टू ऑल इंडिया लेवल ऑल्सो। इनोवेशन, उबर, वी हैव अ इनोवेटिव प्रोडक्ट, खत्म बात। अगर तो ये कंसाइज में लिखा है मैंने, ये देखो यार लीडरशिप में एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या ट्रेट्स होने चाहिए, डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी, अब इसमें क्या डिटेल, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेटेड, इसमें मैं क्या डिटेल लिखूं यार? मैं डिटेल काटी उल्टा, ये 3 पेज को मैंने काट के 1 पेज में ले आया हूं। हाँ, इसमें जिसको मतलब ही पता यार रिसाइलेंट क्या होता है यार, हाँ तो गूगल कर ले। पैशन, ब्रेवरी, अब ब्रेवरी क्या, एंटरप्रेन्योर शुड बी वेरी ब्रेव, एंटरप्रेन्योर शुड बी वेरी, इतना तो पढ़ लेंगे ना यार, चलेगा। टू द पॉइंट, मैंने अभी टू द पॉइंट लिखा है, टू द पॉइंट मेरे करते करते 20 पेज आए, 18 पेज आए बस। ठीक है, दिस इज इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। तो 31% पीपल सेड दे वांट अ डिटेल्ड वन, आई विल शेयर द रिजल्ट विद यू। 69% पीपल सेड आई वांट टू द पॉइंट, तो मैं टू द पॉइंट वालों को लेकर जा रहा हूं। डिटेल वाला भी डाला मैंने, जहां जहां पे मोदी जी का नाम आया है, जहां जहां पे गवर्नमेंट का नाम आया है, हमने गवर्नमेंट स्कीम जो है उसको डिटेल में डाला, बिकॉज आई नीड टू नो एवरी स्कीम। अच्छा, इस बार सीमेट का क्वेश्चन कैसे आया? फॉर एग्जाम्पल ये 10 स्कीम, हर एक का मैंने आपको डिटेल दे दिया। ये बनाने के बाद जब मैंने देखा इस बार सीमेट में क्वेश्चन क्या आया, पहली लाइन में से फाइंड द फुल फॉर्म ऑफ एस्पायर, फाइंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस, इतना इजी। यहां पे आपको मैंने डिटेल दे दी, जहां पे डिटेल चाहिए डिटेल दे दिया, जहां पे टाइम पास था वहां मैंने इजी कर दिया। अट्रैक्ट द टॉप लेवल पीपल, मॉनिटर योर बिजनेस, ठीक है, सिक्योर द एडिशनल फंडिंग एंड लोन, डिटरमाइन, ये सब मैंने टाइम पास कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा आई थिंक कल तक खत्म हो जाएगा। इसके साथ आई एम राइटिंग वन मोर बुक, सेकेंड बुक में आई एम कलेक्टिंग 500 क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन 500, तुम बस वो रट्टा मार लो। ठीक है यार, ये कल या परसों तक खत्म हो जाएगा, आई विल अपलोड दिस थिंग। ठीक है, चलेगा, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाय बाय।